जो मन ऊंची भूमिका में है तब हमारा जो कर्म है वो कर्म ना रहकर धर्म बन जाता है। जो कुछ भी करते हम धर्म हो जाता है, धर्म में स्थित है, सेवा में स्थित है, त्याग में स्थित है, परोपकार में स्थित है। क्योंकि हमारी चेतना का ऐसा विकास है, हम उस स्थिति में स्थित हैं। योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता यहां योग, एक स्थिति तो है एक योगी की, जहां है वहां है, उससे नीचे नहीं आ सकता वो। तो विचारों का एक प्रवाह है तो है, विचारों की एक स्थिति है हमारी तो है। साधक बाधक नहीं है, साधक कौन है? साधक वही है जो बाधक नहीं, किसी के लिए बाधक नहीं है वो, वो तो साध रहा है। साधक साध रहा है, मन वचन और कर्म को एक में साध रहा है वो, धर्म से मोक्ष को साध रहा है वो, शरीर में रहकर शरीर से परे की साधना में स्थित है वो, इंद्रियों के साथ रहकर इंद्रियों से परे की छलांग में साध रहा है वो, ऐसा साधक। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, मिट्टी का घड़ा है कब ठोकर लग जाए नष्ट हो जाए, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जो लक्ष्य है वह सिद्ध हो जाए, जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो जाए। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह मेरा तेरा, यहां वहां इधर उधर, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है, देखा है सब। आत्मा अनादिकाल से, आत्मा अनादिकाल से नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ संसार सागर में। जो योगी है वो उपयोगी है, वो है इसमें, लेकिन उसका जो चिंतन है वह क्या है? उसका चिंतन है अब मैं इसमें फंसा नहीं रह सकता, उसकी चेतना का विकास होने लगता है। दुख नहीं चाहिए ना उसको, दुख नहीं चाहिए, दुखों से निवृत्ति चाहिए, दुखों से निवृत्ति। समाधि में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में कोई दुख लग रहा था? गाढ़ी नींद में कोई दुख था? कोई मन में चल रहा था कुछ भी, कोई विचार, कोई विचारों की लहरें चल रही थी क्या? गाढ़ी नींद में, स्वप्न में चलती हैं वो। गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, ब्रह्म का एक रूप इसमें। समाधि में दुख है नहीं है, सुसुप्ति में दुख है नहीं है, मोक्ष में दुख है, दुख छू नहीं सकता वहां। परमात्मा में दुख है, छू नहीं सकता, दुख पहुंच नहीं सकता, वो आनंद स्वरूप है। रसो वैसा आनंदो ब्रह्मे दिव्य जाना, हंसा हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवा। तो साधक का यही चिंतन है, वो बाधक नहीं है, वो यही चिंतन करता है,
कि संसार के सुखों में दुखों में ये जो अनमोल जीवन है वो व्यतीत नहीं हो सकता। सुख मिलने पर वो अत्यधिक प्रसन्न नहीं है, दुख मिलने पर हाय तौबा नहीं मचा रहा है, बिल्कुल जैसे सहज स्थिति है। जो सुख मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न हो सकता है, बिल्कुल जैसे सुख मिलने पर जो बहुत प्रसन्न हो सकता है, दुखों के मिलने पर कितनी हताशा निराशा कुंठा और अवसाद में वो जा सकता है। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। आत्महत्या की घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं, उसको लगता है कि मुक्ति मिल जाएगी। इतना अनियंत्रण सहसा ऐसा अनियंत्रित हो जाता है उसका मन, ये कहां समझ विकसित हो पाती है कि दुख कितना बढ़ जाएगा। अंधे ना तमसा व्रता, कितने घोर अंधेरे में चले जाएंगे, वो कहां समझ विकसित हो पाती उसको। दुख कई गुना बढ़ जाएगा, ये दुख तो कुछ नहीं है, जो उसे लग रहा है बाहर की परिस्थितियां इतना विचलित कर रही उसको, बिल्कुल अस्थिर होकर जैसे ईश्वर के महान प्रसाद को नष्ट कर डालता है। दुख कितना बढ़ जाता है उसका, कितना बढ़ जाएगा इसका बोध कहां उसे, इतना नियंत्रण है उसका। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अरे मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे, ये किधर जाएंगे। अंधेरे से अच्छा अधिक अंधेरे में चले जाएंगे, घनघोर दुख में चले जाएंगे। तो योगी जो है, जो साधक है, जैसे मन में कोई उद्विग्नता नहीं है, विक्षोभ नहीं है, सुख मिलने पर भी वही स्थिति है, दुख पर जैसे बिल्कुल सहज स्थिति में है, सब कुछ को एक समान देखने का उसका प्रयत्न है। हर्ष शोक में लाभ हानि में सम रहना कठिन होता है, उद्विग्नता हो जाती, मन में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि विषयों में आसक्ति थी, चिंतन ही आसक्ति युक्त था। योगीराज इसीलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म में अधिकार है फल में नहीं, लेकिन फल अनुकूल नहीं मिला तो कितना उद्विग्न हो जाता है। आसक्ति है कर्म में, बंधन में फलासक्ति है, फल में आसक्ति है, कर्म में आसक्ति युक्त चिंतन है। अभ्यास और वैराग्य राग से ऊपर कोई आसक्ति नहीं है। कर्म का संपादन करना, घर परिवार शरीर संसार समाज के समस्त कर्मों को एक स्थिति में स्थित होकर करता है योगी, लिपटा नहीं है, चिपटा नहीं है, उसमें आसक्त नहीं है। वो अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से वह जागृत है। ऐसी स्थिति है उसकी, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट है। जैसे आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित व्रजस्तदुच्यते, अपने से अपने आप में संतुष्ट, क्या बात है। मेले में अकेला, अकेले में मेला, अकेले में ही मेला है उसका। मेले में भी अकेला है, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है, क्योंकि वह योग में स्थित है। इसलिए
उसकी चेतना का इतना विकास हुआ है, इसलिए उसके मन की ऐसी स्थिति है, इसलिए तो विचारों का निरीक्षण करता है एक साधक। प्रारंभ में विचारों का निरीक्षण किया जाता है, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कब कैसे विचार आए जो सहजता को भंग कर दिए, जो रात्रि शयन के समय विचार थे प्रातः जागरण से वैसे ही विचार तो पुनः प्रारंभिक कुछ विचार वैसे ही तो नहीं थे। तो विचारवान इस पर निर्णय करता है, विचारवान अपने विचारों को देखता है और विचारवान ही कर सकता है। जो अनावश्यक है, निरर्थक है, उन विचारों को निकाल बाहर करता है। जो ये समझ नहीं सकेगा कि कौन विचार उपयोगी है कौन विचार उपयोगी नहीं है, वो अनुपयोगी विचारों को बाहर का रास्ता कैसे दिखाएगा। अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं, अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं, मन के बाप तो वन के वृक्षों से जा लिपट जा, तो वन के वृक्षों से जा लिपट जा। जो उत्तम कर्म गुण स्वभाव है वह हमें प्राप्त हो, जो आत्म कल्याणकारी हो वह प्राप्त हो। तो साधक की एक स्थिति है, उन्हीं विचारों के साथ है वो, उसकी एक चेतना है, उससे नीचे नहीं आ सकता, इतना दृढ़ है वो। आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, एक स्तर है तो वहीं पर है वो, उससे पीछे नहीं जा सकता। जहां खड़ा है खड़ा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो अलग बात है, नहीं बढ़ पा रहा है पीछे नहीं जा सकता, इतनी दृढ़ स्थिति है। जहां खड़ा है खड़ा है, ऊर्ध्वारोहण हो, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जहां है वहां है। जैसा अंतःकरण हम लेकर आए थे, जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए थे, उसे और मलिन कर देंगे क्या? नहीं, जैसा है और उसे चमका देंगे। हम संस्कारित करेंगे, हम परिमार्जित करेंगे, हम अपने अंतःकरण को शुद्ध रखेंगे। जैसा लेकर आए थे पहले से जैसा लेकर आए थे और खराब कर जाएंगे। और खराब करके थोड़ी जाएंगे, जैसा मन लेकर आए थे, जैसी बुद्धि थी, जैसा चित्त था और अहम की जो स्थिति थी, जैसा जैसा लेकर आए थे। सति मूल तद विपाको जात्यायुर्भोगा, जैसा जैसा लेकर आए थे, ऊर्ध्वगामी आरोहण करेंगे, उससे अच्छा बनाएंगे। मनुष्य में वो क्षमता है, हमारे भीतर वह क्षमता है, उच्च से उच्च स्थिति में स्थित हो सकते हैं, मानवता के समस्त आभूषणों को धारण कर सकते हैं और देव बन सकते, अमरत्व में स्थित हो सकते हैं, दिव्य हो सकते हैं। मनुष्य में इतनी संभावनाएं हैं, निम्न से निम्न, पशु से भी पशु और मनुष्य से भी ऊपर, देव देव से भी ऊपर, जैसे बिल्कुल अमरत्व में स्थित हो सकता है मनुष्य। एक मनुष्य में इतनी शक्ति है, हमारे भीतर इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ही हमारे भीतर है। इतनी ऊंचाइयों का स्पर्श कर सकते हैं, प्रकृति से परे की छलांग लगा सकते, दुख नहीं चाहिए। योगी का क्या संकल्प? दुख नहीं चाहिए। तीन प्रकार के दुख हैं, समस्त दुखों को तीन प्रकार के विभागों में विभक्त किया गया है। एक आदि दैविक है, एक आदि भौतिक है, एक आध्यात्मिक दुख है, जिसके दो प्रकार हैं।
शारीरिक और मानसिक। दुखन रहित दुख हरत हो, शुद्ध शांति तवरु। परमात्मा आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, दुख नहीं है उसके पास, वो दुख नहीं देता। जिसके पास जो वस्तु है नहीं, वो देगा कहां से। कई बार हम ऐसा बोलने लगते हैं, क्यों किया प्रभु परमात्मा, इतना दुख मिला, क्यों हुआ ऐसा। दुखों से घबरा जाते, उसके पास दुख नहीं है कि दुख दे देगा, उसके पास जो है नहीं वो कहां से दे देगा। दुख नहीं है उसके पास, उसके पास शांति है, उसके पास आनंद है, उसके पास रस है, उसके पास प्रेम है, उसके पास करुणा है, करुणा से लबालब भरा है। अरे वो मित्र है हमारा, सखाया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिसस्व जाते। वो मित्र है हमारा, चेतन मित्र है, नित्य मित्र है वो। कोई संसारी मित्र नहीं है, कब क्या हो जाए, कुछ उलट फेर पता नहीं। वो नजदीक से नजदीक है, नजदीक से नजदीक है, और भाई है जो दूर से दूर है, उससे नजदीक और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो, और बृहद से बृहद है, बड़े से बड़ा है। तो श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ चिंतन से, ईश्वर के दिव्य गुणों के चिंतन से, सत्संगति से जीवन गुलाब के फूल की तरह महक जाता है। श्रेष्ठ चिंतन न होने से, सत्संग न होने से, ईश्वरीय चिंतन न होने से, महापुरुषों के दिव्य जीवन का चिंतन न होने से, जब श्रेष्ठ चिंतन नहीं है तब किसका चिंतन होगा। संसार का जितना चिंतन करना है उतना ही करना, संसार के संबंधों भोगों पदार्थों का, संसार की स्थिति का जितना चिंतन उतना ही चिंतन। अब चिंतन है नहीं श्रेष्ठ, तब फिर किसका चिंतन होगा। ईश्वर का चिंतन न होने से फिर केवल केवल स्थूलता का, भौतिकता का, सांसारिकता का, जो विनाशी है उसका ही अधिक चिंतन होता है। अधिक चिंतन किसका, सत्संगति का, अधिक से अधिक। और जो संसार का चिंतन है वो तो है, वो तो कर ही रहे हैं, उससे कहां बच सकते हैं। तो श्रेष्ठ चिंतन न होने से फालतू का चिंतन बहुत ज्यादा होता है। मन एक समय में एक विषय के साथ संबंध बनाता है। मन क्या है, पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता, मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। एक साथ एक विषय के साथ इसका संबंध है, वही मन है। मन चंचल है, चंचल है तो क्या चंचल है, ये इसकी कमजोरी है, ये पकड़ में आता है। क्योंकि एक साथ एक समय में एक ही विषय के साथ इसका संबंध है, लेकिन गति इतनी तीव्र है, इतना गति वाला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ कई विषयों के साथ ये संबंधित है, पर ऐसा होता नहीं। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, हमारे ज्ञान क्रमशः होते, एक साथ नहीं होते। जिससे यह हो वह मन है, वह मन है।